न्यूज एम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष और मेरे साथ है शैलेंद्र झा। आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का असेंबली इलेक्शन के लिए जो बहुत सारे एग्जिट पोल्स आए हैं उनसे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो शैलेंद्र जी, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स में, अखबारों में एग्जिट पोल्स आए हैं, तो पहला ओपिनियन क्या है आपका इसके बारे में कि ये एग्जिट पोल अगर मान ले कि ये सही है या इनका एक सम टोटल ले ले तो इससे आप किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सब में मोटे तौर पर हंग पार्लियामेंट की, हंग असेंबली की उम्मीद जताई जा रही है। किसी को भी बहुमत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी प्लस सीटीएम की 32 से 35 के आसपास बताई जा रही है और कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन 35 से 38 सीट के आसपास बताया जा रहा है। तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां अगर थोड़ी बहुत अगर उनको जो दूसरी पार्टियां हैं या जो अन्य दल हैं या निर्दलीय उनका अगर समर्थन मिल गया तो वो सरकार बना सकती हैं। लेकिन आशीष जी, मैं इससे पहले आप चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि एग्जिट पोल होता क्या है और इसका कितना, इसकी सच्चाई कैसी होती है, कि इसके तरीका क्या है इसको निकालने का, और ताकि जनता ये समझ सके कि इससे फायदा कितना है और ये कितना सटीक हो सकता है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। भारत में सबसे पहले ओपिनियन पोल आया ये आया 1989 में, जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय पहली बार हमारे यहाँ ओपिनियन पोल आया और इस ओपिनियन पोल को किया था प्रणव राय ने। यही से भारत में जो बड़े मैगजीन्स थे जैसे आउटलुक या इस तरह के बहुत सारे मैगजीन्स, कुछ अखबारों ने भी इस तरह के सर्वेज निकालने शुरू किए। करीब 4-5 साल बाद, मतलब 94-95 में, ऐसा याद पड़ता है कि पहली बार एग्जिट पोल आया इंडिया में, वो भी प्रणव राय और उनके जो एक साथी थे दुआ, क्या नाम था उनका, विनोद दुआ, प्रणव राय और विनोद दुआ लेकर के आए। तो एक कंपनी होती थी CSDS, वो डेटा कलेक्शन करती थी और प्रणव राय और विनोद दुआ इस कारण बोलते थे। लेकिन शैलेंद्र जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, जैसा आपने देखा होगा कि कई बार इनके जो रिजल्ट आते हैं सामने वो सही नहीं होते। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, जैसे अमेरिका की बात करें कि ये अमेरिका में 1972 में शुरू हुआ, CBS लेके आया इसको, जो इलेक्शन का प्री पोल और पोस्ट पोल, एग्जिट पोल वगैरह चीजें, जो भारत में ये चीजें नहीं थी। तो अमेरिका का हमने उदाहरण लिया इंडिया में। भारत में जो शुरुआत, मैंने कहा आपको कि 90 के दशक से ये चीजें शुरू हुई और फिर तो ये परंपरा या रिवाज ही बन गया, लेकिन तब भी इसमें कुछ बड़ी कमियां हैं या खामियां हैं जो अमेरिका के मुकाबले हैं और आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि इसलिए ये कमी सामने आती है कि रिजल्ट इनका क्यों सही नहीं होता। तो जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि भारत में जो सेफोलॉजिस्ट है, आप किसी को नहीं मिल सकते हैं जल्दी जो आपको कहे कि उसने सेफोलॉजी की पढ़ाई की है। अब इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन ये जो 20 साल से चल रहा है इलेक्शन का रिसर्च और एनालिसिस, जिसको सेफोलॉजी कहते हैं, इसकी पढ़ाई अभी शुरू हुई है और ये काम चल रहा है 20 साल से। तो आप देखेंगे कई बार होता है कि ये न्यूज चैनल है जो रिसर्च सर्वे लेके आ रहा है, वास्तव में उनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होती इसकी। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंजीनियर है और वो सर्जरी कर रहा है। जो आप अगर मास कम्युनिकेशन आपने पढ़ा और आप एक जर्नलिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेफोलॉजी आप कर सकते हैं। अगर अमेरिका की बात में कहो तो वहां पर दो अलग अलग काम है। ये दो अलग अलग काम क्या है? एक कंपनी होती है जो डेटा कलेक्शन करती है, और जैसे एडिसन रिसर्च है या इस तरह की और कंपनी है, ये कंपनियां हैं जो 1940 से 1950 से डेटा कलेक्शन कर रही है। जैसे एडिसन है तो उसके पास ट्रेंड सर्वेयर्स की तादाद कम से कम 19,000 है, जो रेगुलर उनके मंथली रोल पे है। और आप यहां गौर करेंगे कि जब भी इलेक्शन सर्वे या एग्जिट पोल या कुछ भी होता है, हर बार कुछ नए नाम सामने आ जाते हैं जिनको हमने पहले कभी नहीं सुना।
कि ये कंपनी का क्या एक्सपर्टीज है एग्जिट पोल या प्री पोल करने में, इनके पास सर्वे करने वाले कितने लोग हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता होता। न ही इनका कुछ एनुअल रिटर्न मिलता है जिससे जानकारी मिले कि ये प्रोफेशनल्स है या नहीं है। एक दूसरी बात ये होती है, वो है सैंपल का साइज। अमेरिका में अगर एडिसन चाहे इस तरह की कंपनी रिसर्च करती है तो उनका एक पैमाना है कि ये कम से कम 80,000 होगा और 1.25 लाख से लेकर 3 लाख तक जाएगा। हमारे यहां आप देखेंगे कि ज्यादातर जो सैंपल्स होते हैं वो 5,000 से लेकर 30,000 तक होते हैं। और इंडिया में जहां पर इतना ज्यादा डायवर्सिटी है, अमेरिका में आप देखेंगे कि जो वहां पर स्टेट्स है वो लगता है कि जैसे स्केल लगा करके और स्टेट्स बनाया गया है, सीधी रेखाओं में बने हुए स्टेट्स। इंडिया में हर स्टेट अपने आप में एक देश है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हर बार इलेक्शन के समय हम सुनते हैं कि इन्होंने सर्वे किया, उन्होंने एग्जिट पोल किया। मुझे आज तक कभी कोई सर्वे वाला नहीं मिला, शायद आपको भी नहीं मिला होगा। मैं आज तक किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसको इलेक्शन का सर्वे वाला मिला है। अगर किसी को मिला हो तो मुझे बताएं। ये भूत का पाव है जिसके बारे में सुनते सभी, दिखता किसी को नहीं है। तो एक आशंका ये बनती है कि जो लोग ये करते हैं वो अक्सर ये मतलब पेड एक्टिविटी है। तो इसका मेरा नजरिया ये है कि ये एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है। आप सीरियल्स देखते हैं तो आप समझिए कि ये न्यूज चैनल पर चलने वाला सीरियल है, और कई बार ये पेड होता है जो ज्यादा डेंजरस चीज है।